हेलो 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 एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट रेसिपी लाई हूँ। तो यहाँ पे मैंने देखिए रिफाइंड ऑयल लिया है और इसमें मूंगफली फ्राई कर ली हूँ और मैंने ऑयल में डाला जीरा, प्याज और मिर्ची। हाँ, मुझे पता है आप लोग भी ये ब्रेकफास्ट बनाते हो, बट कैसे बनाते हो मुझे तो नहीं पता। मैं इस तरीके से बनाती हूँ, तो आप लोग भी इस तरीके से ट्राई करो अलग तरीके से। तो ये मैंने प्याज मिर्ची डाल दिया है और इसमें डाल दिया है थोड़ा सा टमाटर, तो ज़्यादा टमाटर नहीं डाला है, थोड़ा ही डाला है। और इसे हम अच्छे से फ्राई करेंगे, जब इसका मॉइस्चर निकल जाए, थोड़ा सा ये गल जाएगा, फिर हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट और टर्मरिक पाउडर। और जब ये टर्मरिक और सॉल्ट डालेंगे तो ये टमाटर और प्याज मिर्ची आपस में मिक्स हो जाएगा और बहुत ही अच्छा कलर आएगा इसका। देखिए आप लोग, कलर कितना अच्छा आया है। और फिर मैंने ये पोहे जो हैं इसे वॉश करके रख दिया था, भिगो के नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो ये चावल बन जाएगा। तो ये मैंने छलनी में देखिए छान के रख लिया है और इसमें मैंने ऐड कर दिया है ये पोहा। और फिर हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक कि हमारा पोहे का जो कलर है वो ना आ जाए। तो जितना आप इसको मिक्स करोगे कलर आ जाएगा, और हल्के हाथों से करना, ज़्यादा वो नहीं करना, नहीं तो सारे टूट जाएंगे। तो यहाँ पे मेरा जो पोहे का कलर है आ गया है। और ये जो मैंने मूंगफली फ्राई की थी इसे मैं ऐड करूँगा। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पोहा मसाला ऐड किया है, तो इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है पोहे का। और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए फिर हम अब इसमें अपने जो मूंगफली फ्राई किए हैं वो डाल देंगे और फिर थोड़ा सा इन्हें भी मिक्स करेंगे अच्छे से, ताकि ये आपस में अच्छे से मिल जाए। फिर हम इसमें इसका मेन इंग्रेडिएंट्स जो है इसकी तो यहाँ पे मैंने लेमन का जूस डाला है और इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है पोहे में। तो ये हमारा पोहा जो है वो रेडी हो चुका है और इसके जो लेमन के बीज हैं वो हम निकाल देंगे, इससे कड़वाहट आ जाती है थोड़ी सी। तो ये हमारा पोहा रेडी हो चुका है, इसे हम थोड़ी देर ढक के रख देंगे हल्की, ताकि ये अच्छे से इसका मिक्स हो जाए। फिर इसमें हम डालेंगे कोरिएंडर लीव्स। तो कैसा लग रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करें।